जी दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे रिजिड बॉडी के बारे में। यानी रिजिड बॉडी का मतलब ये है कि हम लोग ऊपर से कोई चीज़ नीचे कैसे गिरा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक प्लेन क्रिएट कर देता हूँ और उसको स्केल कर देता हूँ। स्केल करने के बाद जनाब मैं क्यूब क्रिएट कर देता हूँ। क्यूब को मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ और यहाँ इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। इसको कोई कलर देते हैं ताकि ये हमें नज़र आए। न्यू में जाएंगे, कोई कलर डिफ्यूज़ है ये, इसको थोड़ा डार्क करेंगे। यहाँ पे क्लिक किया, ये सही रहेगा। इसको भी कोई कलर दे देते हैं जनाब, ये ब्लू से रहेगा। ठीक है, अभी हमें नज़र आ रहा है। तो जनाब हम लोग चाहते हैं कि ये इसको रिजिड बॉडी का, हम लोग अब सीखेंगे रिजिड बॉडी के बारे में। यानी ऊपर से ये बॉल, ये मतलब ये क्यूब कैसे गिरेगा नीचे। ऐसे अगर हम लोग गिराएंगे तो ये उस तरह अफेक्ट नहीं करेगा जिस तरह रियल में इफेक्ट होना चाहिए। जिस तरह रियल में गिरता है कोई कोई चीज़, रियल में असल में गिरती है, उसके लिए उसको कहते हैं रिजिड बॉडी। तो उसके लिए फिजिक्स का एक ऑप्शन दिया गया है। चलो हम लोग सबसे पहले क्यूब पे क्लिक कर देते हैं और इस पर करते हैं, क्लिक कर देते हैं रिजिड बॉडी। तो ये हमारा हो गया एक्टिव, ये लिखा हुआ है एक्टिव, ये ऑब्जेक्ट हमारा है एक्टिव। ठीक है, अब इस पर क्लिक कर देते हैं और दोबारा हम लोग इस पर क्लिक कर देते हैं रिजिड बॉडी पे, रिजिड बॉडी पे, और इस पर करते हैं पेसियो। ये हमारा फ्लोर जो हो गया, ये हो गया पेसियो। ठीक है, अब गिरने का जो शायद शेप है, मतलब उसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे ये क्यू कौन की शक्ल में गिरेगा, अब इसको टेस्ट कर देते हैं क्या के। चलो ठीक है, फिर सीधे से कर देते हैं, इसको कर देते हैं जनाब सिलेंडर की शक्ल में, अब प्ले कर देते हैं। ठीक है जनाब, अब आपको कुछ समझ आ चुकी होगी कि हाँ रिजिड बॉडी किसको कहते हैं और रिजिड बॉडी हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट के लिए। शिफ्ट कर देते हैं, अब मुख्तलिफ हम लोग इसका वेट भी बढ़ा सकते हैं, फ्रिक्शन भी बढ़ा सकते हैं। फ्रिक्शन बढ़ाएंगे, देख रहे हैं आप, ये बहुत ज़्यादा बाउंसेस करेगा। अब इसको क्लिक किया, ये थोड़ा सा बाउंसेस कर रहा है, बाउंसेस के बाद ये रुक रहा है। तो ये हमारी टाइम लाइन यहाँ पर क्रिएट हो जाती है और टाइम लाइन क्रिएट होने के बाद ये हमारी रिजिड बॉडी कम्प्लीट हो जाती है। शुरू से करते हैं हम लोग इसको, ये हमारा है एक्टिव और ये हमारा है पैसिव।